वो तो कह ही रहा है ना, राम राज आ गया है, शूद्र शूद्र की तरह रहो, अछूत अछूत अस्पृश्य की तरह रहो, वो तो कह ही रहा है, उसका एजेंडा क्लियर है। अब तुम चाहते हो कि तुम शूद्र ही बनकर रहो उसी सेगमेंट में, तो माइक लेके नहीं घूमे, जाके गोबर पाथो गांव में। नरेंद्र मोदी साहब ये समझ रहे हैं कि अब ओबीसी का तो प्रधानमंत्री हो गया, तो बाकी ओबीसी को नौकरी क्यों दूं, हाथी के पांव में सबका पांव। तो बोल रहे हैं ओबीसी तुम हिंदू धर्म की रक्षा करना, मैं नौकरी दे रहा हूँ इधर सुदामा को। अभी कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन जी, और उसके बाद कहेंगे कि वन नेशन वन पार्टी एंड वन लीडर। देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, डॉक्टर सूरज मंडल और डॉक्टर रतनलाल सर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी है अभी फिलहाल। तो चल के हम इनसे बातचीत करेंगे, जो आने वाली जो ये सरकार जो कह रही है वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे हम बातचीत करने जा रहे हैं कि सर का क्या राय है, सर का क्या प्रतिक्रिया है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका क्या कहना है? बहुत सारे बीजेपी के नेता जो है ना, वो चाइना जाते हैं, ये ऑफिशियल आधिकारिक टिप्पणी भी है, वहाँ जाते हैं पार्टी संगठन का स्टडी करने, संगठन का पार्टी वहाँ कैसे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कैसे वहाँ काम करती है, उसका उसका एक तरह से अध्ययन करने के लिए जाते हैं। तो जब अध्ययन आप किसी चीज़ का करते हैं तो उसे सीखते हैं जी, सीखते हैं। तो चाइना में एक पार्टी है, कई पार्टी है? चाइना में तो एक ही पार्टी है। तो एक पार्टी है ना, तो वहाँ से यही सीख के आए हैं। अभी कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन जी, और उसके बाद कहेंगे कि वन नेशन वन पार्टी एंड वन लीडर, ये समझ रहे हैं बात, एंड वन कैंडिडेट। हाँ, वन कैंडिडेट, हम ही राजतंत्र रहेंगे, हम राजा रहेंगे, हम जिनपिंग के इंडियन एडिशन रहेंगे, समझ गए बात। चाइनीज चीन में जिस तरह का है, आप एक बार बताओ, ये इतना डाइवर्स मुल्क है, तरह तरह की भिन्नताएं हैं, भाषाएं, बोलियां, और ये पता नहीं है कि अलग अगर किसी प्रस्ताव को लाना है इस तरह का, तो राज्य 50% जो स्टेट है उनकी सहमति चाहिए उस पर, 50%। तो बीजेपी के पास सहमति है ना, राज्यों की बात कर रहा हूँ, 50% राज्य जी, 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 बिहार उत्तर प्रदेश सब मिला के, जी, 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 तब इस पे चर्चा आगे बढ़ेगी ना जी। ये सरकार तो मनुस्मृति वाली सरकार है, जितने संवैधानिक संस्थाएं उसको ध्वस्त कर रही हैं। अब कह दिया कि तुरंत अभी मानसून सेशन खत्म हुआ है और बोल दिया कि इधर भाई चलो अब स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, उसका भी प्रोसीजर है ना कि सर स्पेशल संसद सत्र का क्या मतलब बन रहा है, क्या क्या इसका क्या नैरेटिव है सर, इसका क्या मतलब बन रहा है स्पेशल संसद सत्र? अभी जो बात हुई वन नेशन एंड वन इलेक्शन, ये पूर्ण रूप से साजिशन किया जा रहा है। और जो अभी डॉक्टर साहब बताए, चाइना में ये परिस्थिति है कि एक ही पार्टी और एक ही कैंडिडेट देता है, ये उस ओर हमें ढकेल रही। दूसरा, जो अभी तमाम देश के सामने समस्याएं, उससे अलग करके एक नया नैरेटिव करना इनकी आदत है। जैसे इसके पहले इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड में नैरेटिव लाया, देश में जो समस्याएं हैं खासतौर से जनगणना के संदर्भ में, जाति जनगणना होनी चाहिए, रोजगार बढ़नी चाहिए, लोगों को बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई से जूझना पड़ रहा है, छात्रों में दिक्कतें हैं, फीस बढ़ा दी गई है, तो ये सब डिस्कशन का मुद्दा इनका नहीं है। और ये वन नेशन वन इलेक्शन कह के ये बताना चाह रहे हैं कि हम एक हैं। ये अभी डॉक्टर साहब ने स्पीच में कहा कि ये क्यों नहीं कहते हैं कि वन नेशन एंड वन कास्ट, वन नेशन एंड वन कम्युनिटी, वन नेशन और सिर्फ एक, उसमें भी भेदभाव रखेंगे, वन एजुकेशन, वन एजुकेशन। एजुकेशन में इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अलग अलग, आपको पता होनी चाहिए कि फीस का इतना बढ़ा दिया है इन लोगों ने, और जो गरीब बच्चे हैं उनको लगभग शिक्षा, और खासतौर से दलित पिछड़े आदिवासी हैं उनको शिक्षा से बाहर रखने का इनका साजिश है। लेकिन सरकार तो कह रहे हैं कि हम साक्षरता डिग्री बढ़ा रहे हैं ना, शिक्षित नहीं कर रहे हैं, साक्षरता बढ़ाना और शिक्षित करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और जो इस देश में स्थिति है वो साक्षर करके या तो अग्निवीर बनाएंगे या पकौड़ा का दुकान खोलने कहेंगे, और जो लोग सही मायने में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब पढ़ाना चाहते हैं, तो इन लोगों को न प्रमोशन मिले, न इनकी जो है योग्यता जो प्रिंसिपल बनने की है उसको रोका जाए इस तरह के। और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आइए, आप तो रिपोर्ट भी किए हैं वहाँ, किस तरह से जो हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर रितु, वो किस तरह से समस्याओं का समाधान कर रही है, और तमाम लोग अभी सुसाइड कर रहे हैं, खासतौर से दलित जो शोधकर्ता और
रिसर्च कॉलेज है, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। ये उससे ध्यान भटकाने का इनका जरिया है, और इसको ईवीएम से भी मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि ईवीएम से ये इलेक्शन मैनिपुलेट करते हैं। एक इलेक्शन होगा, एक बार इलेक्शन में मैनिपुलेटेड ईवीएम रहेगा, उसके बाद जो चाहेंगे ये करेंगे। सर, आपसे एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में एक पुलिस बहाली आया है जिसमें ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो 10% आरक्षण है उसमें 1000 के समथिंग में सीट दिया गया है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में 27% जहाँ पे आरक्षण का रिजर्वेशन है वहाँ पे 2000 के समथिंग में सीट दिया जा रहा है। सर, ये कैसा घपला हो रहा है? आंकड़े मैंने देखे नहीं है कि 2000 सीट दिया जा रहा है, कितने में? 2000 के समथिंग है, मौर्या जी ट्वीट किए हैं। नहीं, वो कितने कुल जो ये कहना चाह रहे हैं उसमें ये है कि जो 27% और 10% होना चाहिए उसके बजाय ये जो दिया जा रहा है वो ईडब्ल्यूएस को कहीं अधिक और ओबीसी को कहीं कम करके दिया जा रहा है। ओबीसी नरेंद्र मोदी साहब ये समझ रहे हैं कि अब ओबीसी का तो प्रधानमंत्री हो गया तो बाकी ओबीसी को नौकरी क्यों दूं, हाथी के पांव में सबका पांव, तो बोल रहे हैं ओबीसी तुम हिंदू धर्म की रक्षा करना, मैं नौकरी दे रहा हूं इधर सुदामा को। इस पे एक बार बताइए, कहीं कोई आंदोलन दिख रहा है? कोई नेता बोल रहा है? कोई संसद विधानसभा घेरने की बात कर रहा है? समाज में हलचल है? हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी का हक खा लिया, वो तो जाते हैं गांव में तो बोलता है ये तो फलना यादव को मिल गया, मुझे करना क्या, मैं तो बीजेपी में जा रहा हूँ। तो ये उनको कोई टेंशन है? आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है, और इससे अगर रहता है तो उससे कम से कम एक आशा बनी रहती है कि भाई हमारा बच्चा भी बन सकता है ना, गरीब का बच्चा भी बन सकता है। लेकिन ये तो सिस्टम ही खत्म कर रहा है ना, ये पूरा सिस्टम खत्म कर रहा है। न रहेगा बांस ना बाजेगी बस, बोले ओबीसी प्रधानमंत्री 10 साल रह लिया, आप क्या चाहिए? इसके पहले देवगढ़ा साहब भी थे प्रधानमंत्री, लेकिन उनको याद नहीं आता। ओबीसी समाज को मैं देख रहा हूँ, और दलितों के भी एक सेगमेंट में उसको धर्म का जो है ना चाशनी नशा जो है ना पिलाया जा रहा है कि तुम हिंदू धर्म की रक्षा करो, हम जा रहे हैं, मेरा बच्चा भी देश जाएगा। अब समाज ही नहीं जाएगा, उसके नेता नहीं जाएंगे। कोई दलित पिछड़ा नेता को लड़ते देखे इधर हिंदी पट्टी में? बिल्कुल नहीं है। तो क्या करोगे नौकरी करके? जाओ वहाँ माइक पकड़ो, बोलो कि हेलो हेलो जाओ। तो सर कहीं ना कहीं योगी सरकार कांवड़ यात्रा लेके जाता है तो फूल बरसाता है, और नौकरी मांगने जाता है तो कहीं ना कहीं लाठिया डंडा बरसाता है। कांवड़ लेके जाता है तो एक दिन अफसर आके पांव दबाता है, तो दलित पिछड़ा जितना वहां जाता है ना तो उसको एक दिन का राजा बनाता है। चलो डीएम से पांव दबवाएं, मनोविज्ञान समझो, मनोविज्ञान। नौकरी वो तो कह ही रहा है ना, राम राज आ गया है, शूद्र शूद्र की तरह रहो, अछूत अछूत अस्पृश्य की तरह रहो, वो तो कह ही रहा है, उसका एजेंडा क्लियर है। अब तुम चाहते हो कि तुम शूद्र ही बनकर रहो उसी सेगमेंट में, तो माइक लेके नहीं घूमे, जाके गोबर पाथो गाँव में, कह रहा है। न्यू एडुकेशन पॉलिसी है ये, बहुत ही स्पष्ट है कि जो जिसकी व्यवसाय जातीय तौर पर है उसको उसमें ट्रेनिंग दी जाए। कहने का मतलब है कोई लोहार है तो लोहा पीटे, सुनार है तो सुने का काम करें, जो गाय बैल पोसते हैं वो अपना पुश्तैनी काम करें। ये नई शिक्षा नीति में दो चीज़ें बहुत स्पष्ट की गई है, एक तो शिक्षा इतना महंगा कर दो कि जो साधारण लोग हैं उनके पहुँच से बाहर हो जाए, जो आप देख रहे हैं तमाम जो टीचिंग शॉप्स हैं यूनिवर्सिटीज, और दूसरा उनको उन शासक वर्ग का नहीं सपना देखने दो, वो सर्विस सेक्टर में रहेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग दो, बाल काटने का, चाय का दुकान खुलने का, सब्जी उगाने का, भैंस पालने का, ये सब सिविल सर्विसेज। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज और सुन लो, सिविल सर्विसेज में वो लैटरल एंट्री से बिना आरक्षण के कॉरपोरेट सेक्टर के कुछ लोगों को सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाएंगे, जो सरकार में आने जो आईएएस बनते हैं उनको 15-20-25 साल के नौकरी के बाद जो पद प्राप्त होता है वो 2-3 दिन में दे दिए, और ऐसा वो लगातार बना रहे हैं। शिक्षा को बर्बाद कर चुके हैं, सिविल सेवा को बर्बाद कर चुके हैं, अस्पताल के जगह वो कौन सा जो उनका इंश्योरेंस है वो आयुष्मान भारत, ये सब तो अब लोग को समझना है ना, सड़क पे निकलिए। हम तो कह रहे हैं, आपके सभी अपील कर रहे हैं कि जाति जनगणना नहीं कराओगे तो कल कहेगा कि तुम लोग का ही जाति था ही नहीं, और इसी तरह तुम्हारे चैनल के मुखिया जो हैं कहते हैं कांग्रेस ने निजीकरण शुरू किया, ये बात तो सही है, कांग्रेस ने शुरू किया। पूछो जरा कि कांग्रेस ने बेचा कितना, आईआईटीज बने भी, इंस्टीट्यूशंस बने भी, इस बात का जवाब नहीं ढूंढता है लोग कि अटल बिहारी वाजपेयी ने विनिवेश मंत्रालय बनाया था, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री,
कितने बेचे जा रहे हैं, अंतर समझिए। तब भी अगर बीजेपी के लिए जो है ना हाय तोबा मचाए हो ना, खूब खुश हो रहे हो तो खुश मत हो, तेरा कैमरा चैनल भी चलेगा कि नहीं अगले सरकार के बाद उसका पता नहीं है।